हेलो गाइज, मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। काफ़ी सारे कमेंट्स और काफ़ी सारी डिमांड थी आपकी कि इन दोनों का छोटा सा डिटेल रिव्यू और फाइनल डिसीजन वीडियो दिया जाए। तो गाइज, आपके सामने है वो वीडियो जो कि इसी में कंपैरिजन भी रहने वाला है AMIC का और दीपक कैंटेक्स का। दोनों का थोड़ा थोड़ा रिव्यू भी करेंगे, साथ में कंपैरिजन करेंगे और फाइनली हम जानेंगे कि दोनों में से कौन सा बेस्ट वन है और हमें दोनों में सेफ्टी कितनी मिलेगी, रिस्क कितना है, ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है, लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन क्या है, क्या हमें अप्लाई करना सेफ है नहीं है, सब कुछ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका जो डाउट है, जो क्वेश्चन है, वो क्लियर हो सके। एंड गाइस, आप सभी को पता है थोड़ा सा बिजी था, इस चक्कर में इनकी वीडियोस आपके साथ साझा नहीं कर पाया, तो सॉरी फॉर लेट। आई होप कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं और पहले नंबर पे AMIC के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस, IPO आज क्लोज हो जाने वाला है, अलॉटमेंट 6 को, लिस्टिंग 11 को रहने वाली है। स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे 126 इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 34.80 करोड़ का IPO का साइज है, 1000 शेयर का लॉट है। SME कैटेगरी का IPO है, BSE SME में लिस्ट होने वाला है। बिग शेयर इसका रजिस्ट्रार है, 35% कोटा रिटेलर्स लिए रखा गया है। गाइस, इसके बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस बहुत ही पुराना है, 2007 से काम करता हुआ दिख रहा है। ये पहले काली माता फॉर्जिंग के नाम से काम करता था, उसके बाद ये नाम चेंज कर दिया, ठीक है। कंपनी जो है गाइस, वो मैन्युफैक्चर करती है प्रिज्म मशीन कंपोनेंट्स, जैसे कि राउंड हो गए, शाफ्ट्स हो गए, ब्लैंक हो गए, कंप्लीट फिनिश्ड इंजीनियरिंग पार्ट हो गए, स्पेयर पार्ट हो गए, गियर कपलिंग हो गया, हब, राउंड फ्लैग और इसी टाइप के सारी चीज़ें ये करती है। आपके सामने स्क्रीन पे है, इस तरह के सारे प्रोडक्ट ये बनाती है, ठीक है। और वेरियस इंडस्ट्री में ऑटोमोटिव सेक्टर हो गया या फिर स्टील सेक्टर, हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर, गैस, फार्मा, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, रिफाइनरीज, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो पावर, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर और इसी तरीके की इंडस्ट्री में इनका यूज होता है, ठीक है। इस तरीके की फॉर्जिंग जो है मशीनरी में लगती है, व्हीकल्स में भी लगती है, तो आपको ये लगभग हर जगह पे यूज होता हुआ दिख जाएगा। तो यही ये कंपनी बनाती है, 2007 से काम करती दिख रही है, तो अच्छा खासा इसका एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। यहाँ पे गाइस, अगर जो इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में इसके पास एसेट काफी अच्छा है, वैल्यू जो है वो लैक्स में देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एसेट 6367 लाख का। उसके बाद रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू में हमें काफी अच्छी जंप देखने को मिल रही है और यहाँ पे 30 जून तक का डेटा है, यानी कि सिर्फ एक क्वार्टर का। तो इसके हिसाब से भी देखा जाए तो आराम से ये 12000 लाख करीब बना लेंगे रिवेन्यू, ठीक है, मतलब साल के एंड में। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 56 लाख था, फिर 86 लाख हुआ, फिर 980 और फिर 360 लाख सिर्फ एक क्वार्टर में। तो इसके हिसाब से भी देखा जाए तो करीब 1440 लाख, यानी कि 14 करोड़ का अप्रॉक्सिमेटली बना लेंगे इस क्वार्टर के डेटा के हिसाब से। तो यहाँ पे गई काफी शानदार जब हमें इसके प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखने को मिल रही है। नेटवर्क भी अच्छा है, 2338 लाख का, रिजर्व सरप्लस 2525 लाख का, बोरिंग बहुत ज्यादा नहीं है, 287 लाख का है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियली स्टेबल है कंपनी का, बिजनेस बहुत ही शानदार है, बहुत सारी इंडस्ट्री कवर करती है, तो फिर लॉन्ग टर्म में भी चलने वाला है और एक स्टेबल डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है। कंपनी जो EPS है वो बहुत ही शानदार है, 12.83 का। पोस्ट पी की बात है तो 9.18 हो सकता है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं हम। यहाँ पे मार्केट के 132 करोड़ है, काफी छोटा है। ROC ROE बहुत ही शानदार, 71 और 55 का। डेट टू डी रेशियो जो है वो काफी कम है, 0.26 का, तो काम चला सकते हैं। मैंने बोला ना, बहुत ज्यादा नहीं है डेट। यहाँ पे जो EPS है उसकी वजह से पी काफी कम निकल रहा है, एक अच्छी बात है। और जो ROC है या फिर ROE है या फिर RNW बहुत ही बढ़िया है। प्राइस बैंड जो है कहीं ना कहीं वो काफी जेन्युइन रखा गया है। तो यहाँ पे गाइस, ओवरऑल जो सिनेरियो है वो काफी अच्छा देखने में लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस, फाइनेंशियल सारा कुछ हमें ओके देखने में लग रहा है। तो आगे हम जान लेंगे कि क्या हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए। एक बार दूसरे IPO का भी कंपैरिजन देख लें, सब्सक्रिप्शन फिगर एक बार इसका आप देख लो, फिर लास्ट में कंक्लूजन जानेंगे। यहाँ पे गाइस, सब्सक्रिप्शन 104.52 टाइम हुआ है, रिटेलर्स ने 142.59 टाइम, NIH ने 116.98 और QIB ने 25.10 टाइम कर दिया है। जो डेटा है वो 1:28 का हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक बार लास्ट में कंपैरिजन में भी हम दोबारा देख लेने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन फिगर साइज के हिसाब से यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस और बात कर लेते हैं हम दीपक कैंटेक्स के बारे में। बट उसके पहले गाइस, आपको बता दूं कि अब तक आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। देख लो, यहाँ पे आपको रेगुलरली स्विंग कॉल देखने को मिल जाती है, इंट्राडे कॉल देखने को मिल जाती है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, स्विंग कॉल और बहुत सारी चीज देखने को मिल जाती है लर्निंग के लिए, चार्ट सपोर्ट, ऑडियो सपोर्ट और काफी कुछ सीखने के लिए भी। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर एक पे लिंक आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे DCL यानी दीपक कैंटेक्स लिमिटेड के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, ये IPO का जो डेट है आज ही है क्लोजिंग, इसकी लास्ट डेट है और 10 की फेस वैल्यू पे 80 रुपए प्राइस में रखा गया है। 23.04 करोड़ का IPO का साइज है, यानी कि पिछले IPO AMIC से छोटा है, इस चीज का ध्यान आपको देना है। वो 34.80 करोड़ का था और ये सिर्फ 23 करोड़ का है। यहाँ पे 1 लाख में 16 शेयर मिलने वाले हैं और बिग शेयर इसका रजिस्ट्रार है, 35% कोटा रहने वाला है, ये भी BSE SME में लिस्ट होने वाला है। गाइस, ये 1997 से कंपनी है, पिछले कंपनी से कंपैरिजन करें तो काफी ज्यादा
पुराना एक्सपीरियंस इसका रह जाता है वो 2007 में ओपन हुई थी, ये 1997 में। इस कंपनी का जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग करती है कलरेंट फो एप्लीकेशन इन फूड ड्रग्स कॉस्मेटिक्स और क्लीनिंग कंपाउंड्स में एग्रीकल्चर और दूसरे इंडस्ट्री के लिए भी। मतलब इसमें जो कलर्स यूज होते हैं ना, जैसे मान लो आप चॉकलेट खाते हो, चॉकलेट का डार्क सा रहता है, अगर जो सो कलर यूज करना है तो वो इनके कलरिंग या फिर इसके जैसे बिजनेस कलरिंग देके यूज करती होगी, ठीक है। किसी ड्रग का आप देखते हो कोई व्हाइट रहता है, कोई येलो, कोई ब्लू, कोई रेड, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे गाइस कुछ इस तरीके के ये सारे केमिकल्स बनाते हैं, तो जो बिजनेस है इसकी डिमांड देखो रहने ही वाली है। जब तक दुनिया है तब तक खाना पीना पहनना घर में रहना और अब इलेक्ट्रिसिटी यूज करना कम नहीं होने वाला है, ना ही बंद होने वाला है। तो ऐसी बिजनेसेस देखो फ्यूचर में चलते रहेंगे जो इनको फायदा पहुंचाए। यहाँ पे देख सकते हो ये बेकरी में, डिजर्ट्स में, बेवरेजेस में, डेयरी प्रोडक्ट में, पेट फूड, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर में यूज होते हैं इनके जो हैं कलर्स, ठीक है। और कैसे इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट और साथ में सर्टिफाइड भी हैं, देख सकते हो यहाँ पे ISO 9001 और 2015 से। उसके साथ ही कंपनी 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट इनके पोर्टफोलियो में है और इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी, लाइक चाइना हो गया, कनाडा, मैक्सिको, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी सप्लाई करते हैं। तो काफ़ी शानदार बिजनेस इसका भी है, मैंने बताया कि ये सबकी डिमांड हमेशा रहने ही वाली है। एक बार इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं, हम यहाँ पे लेट नहीं करेंगे। एसेट जो है अच्छा है, हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर जो हम यहीं पे रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी हमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ध्यान से देखते हैं, 423 लाख का था, फिर 631 का, मतलब शानदार जंप। और अभी यहाँ पे सितंबर तक का डेटा है, यानी कि 6 महीने का डेटा ये, ठीक है, तो यहाँ से डबल तो हो ही सकता है, 6 महीने और अच्छा कर लिया तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे बड़े आराम से 311 लाख है, तो ये 622, 630, 640 भी कर सकते हैं, तो सिमिलर आ जाएगी और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो फाइनेंशियली अगर जो पिछले IPO कंपैरिजन करोगे तो इतना शानदार जम नहीं है, बट हाँ स्टेबल ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेटवर्थ वो 1880 लाख का है, 1081 का रिजर्व सरप्लस है और 120 लाख की बोरोइंग भी हमें इसके ऊपर देखने को मिल रही है। लेकिन साइज के हिसाब से टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.09 है, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पी जो है इसका 10.14 का है, मार्केट कैप 86 करोड़ का है, पिछले आईपीओ कंपैरिजन में छोटा है, थोड़ा रिस्क ज्यादा रहने वाला है। ROC ROE बढ़िया है, 50 करोड़ 49 का। EPS जो है 7.89 है, ROW जो है वो 40.17 का हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर जो आप देखोगे तो EPS कंपैरिजन में पिछले IPO से ज्यादा इसका देखने को मिल रहा है, मतलब अर्निंग पर शेयर, ठीक है। और जो प्राइस बैंड है, अगर जो ये सेम सेगमेंट की होती हम कंपेयर कर पाते तो इस IPO का दीपक का महंगा थोड़ा सा देखने में लग रहा है, ठीक है। कंपैरिजन करोगे यहाँ पे पीयर से तो पीयर के जो दो हैं ये इनसे सस्ती है, इसका 10 का P/E है लगभग, ठीक है, और कीरी इंडस्ट्री से सिमिलर सी है 13 का PS का। तो यहाँ पे गाइस कंपैरिजन में देखो एक चीज तो निकलती हुई हमें दिख ही रही है कि दोनों IPOs अपने अपने सेगमेंट में बढ़िया हैं, दोनों IPOs लगाने लायक हैं, दोनों IPOs में हमें अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। अगर जो कंपैरिजन करें भाई नंबर एक नंबर दो पे कौन सा है बिजनेस फाइनेंशियल सारा कुछ के हिसाब से, तो मुझे AMIC थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नंबर्स ज़्यादा हैं बट AMIC मुझे बेहतर इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल्स थोड़े से अच्छे ग्रो कर रहे हैं और बिजनेस वो भी लॉन्ग टर्म में चलने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कंपैरिजन में सिर्फ उसको एक नंबर दे रहा हूँ बट दोनों IPO में अप्लाई किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर जो आप देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फिगर ये दीपक का तो काफ़ी बेहतर हुआ है, बट साइज भी 10 करोड़ छोटा है, इस बात का भी ध्यान देना है, ठीक है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है, अगर जो आपको सिर्फ एक किसी IPO में जाना है तो मुझे लगता है आपको दीपक में ना ला के AMIC में लगाना चाहिए, सर सिंगल लॉट अगर जो लगाना है आपको, और जो दोनों में पैसे हैं तो आप दोनों में डाल सकते हो, ठीक है। अगर जो सेफ्टी की बात करूँ तो मुझे लगता है कि दीपक थोड़ा सा ज़्यादा सेफ होता है क्योंकि SME कैटेगरी में देखो रिस्क क्या होता है, आपको पूरा लॉट सेल करना होता है, मतलब 1000 अगर जो एक लॉट में मिला ना शेयर तो पूरा पूरा लॉट, वहाँ पे अगर जो बायर गायब हो गए तो सर लोअर सर्किट वाला गेम चलता रहेगा और आप फंसे रह जाओगे, पैसा आपका फंस जाता है। तो उसकी कंपनी भी बड़ी है, मतलब साइज भी बड़ा है, लिस्टिंग के बाद गेन देगा तो साइज और बड़ा हो जाने वाला है AMIC का, इसलिए थोड़ा सा सेफ हो जाता है ये, ठीक है। और अगर जो मैं दीपक की बात करूँ, दीपक भी ठीक है, बिजनेस और फाइनेंशियल सारा कुछ ठीक है, बट कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक नजर आता हुआ दिख रहा है। तो अगर जो आपको सिंगल लॉट लगाना है तो मुझे लगता है कि AMIC इज गुड, और अगर जो आपको चाहिए तो DCL में भी लगा सकते हो। सब्सक्रिप्शन फिगर और सारा कुछ जो है मैं आपको इस चैनल पे थोड़ी देर बाद शेयर करता रहूंगा, जब भी आप वीडियो देखो, हो सकता है आपने IPO अप्लाई कर दिया हो, सेफ्टी के लिए देख रहे हो, क्योंकि वीडियो तो देखो लेट हो चुकी है, मैंने इसके लिए सॉरी भी बोला आपसे। तो सब्सक्रिप्शन फिगर, GMP और सारा कुछ आपको चाहिए तो ये वाले चैनल पे शेयर करते हैं, न्यूज चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में इसका दो नंबर पे लिंक मिल जाएगा, नंबर एक पे मैंने वो बताया जहां लेवल्स मिलते हैं सारे, और ये नंबर दो पे, तो यहां पे सब्सक्रिप्शन और सारा कुछ मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन फिगर के पीछे मत भागो, दोनों अपनी अपनी जगह पर सेफ है। उसका IPO का साइज 10 करोड़ छोटा है लगभग, इस वजह से हमें नंबर ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट AMIC मेरे हिसाब से थोड़ा सही है। मुझे अगर जो लगाना होगा तो मैं AMIC में पहली प्रायोरिटी पे लगाऊंगा, और अगर जो दो लॉट के पैसे दोनों में लगाऊंगा। बाकी आप क्या करने वाले बताना जरूर, दोनों का ग्रे मार्कर में भी एक बार आप देख लो। यहां पे गाइस AMIC का जो GMP है वो हमें 70-72 पर देने को मिल रहा है, इसका हिसाब से करीब 55-56% गेन अप्रोक्सीमेटली होता है। अगर जो यहीं पे गाइस DCL की बात करें तो यहां पे भी GMP जो है
ठीक है, करीब 26-27 रुपए देने को मिल रहा है, इसके हिसाब से करीब 31-32% तक का गेन अप्रॉक्सिमेटली होता है। तो यहाँ पे जीएमपी के हिसाब से मैंने नंबरिंग नहीं की है, दोनों आईपीओ ठीक है अपनी अपनी जगह पे, मैंने प्योरली बिजनेस और फाइनेंशियल्स के हिसाब से नंबरिंग की, इस बात का ध्यान आपको देना है। तो आप किस में अप्लाई कर रहे हो बताना जरूर, मिलते हैं अगली वीडियो में, करते हुए प्लीज चल दिस्ट वेल्दी एंड बाबा फॉर नाउ।